सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अभ्यास का कमाल का शेष भाग। अभी तक हमने पढ़ा था कि अक्षिता एक प्रतिभावान लड़की है और अपनी समस्या लेकर अपनी माँ के पास आती है, क्योंकि उसके गणित मैथ्स में नंबर कम आते हैं और वह स्कूल जाने के लिए मना कर रही है क्योंकि सब उसे फिसड्डी कहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। अगले दिन अक्षिता प्रातः उठी और उसने निश्चय किया कि वह गणित के सवाल ज़रूर हल करेगी। अब वह प्रतिदिन अंडरलाइन कीजिए, 1 घंटा गणित के सवाल हल करती। जब उसकी सहेलियां सहेलियों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अक्षिता की सहायता करने का निश्चय किया। वे उसे प्रोत्साहित करती और जब वह सभी सवाल सही करती तो उसकी प्रशंसा भी करती। इतना ही नहीं, जब वे देखती कि अक्षिता गणित के सवाल कर रही है तो वे उसके साथ साथ स्वयं भी सवाल हल करने लगती। उनकी इस आदत के फलस्वरूप अंडरलाइन कीजिए, अक्षिता की गणित के सवालों को हल करने की गति तेज हो गई। उसने जी तोड़ मेहनत की। अब वह कक्षा में सबसे पहले सवाल हल करने लगी, क्योंकि उसने निश्चय किया था, उसने कोशिश करी थी, प्रण किया था कि मैं गणित के सभी सवाल करूंगी। तो इससे क्या हुआ, अक्षिता के जितने भी फ्रेंड थे वो उसकी सहायता करने लगे, और जब वो सहायता करने लगे तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी और अब वो सबसे पहले अपने सम यानी कि सवाल को सॉल्व करने लगी। आजिए नेक्स्ट पेज पे आजिए बेटा। चलिए, जो बच्चे उसे फिसड्डी अंडरलाइन कीजिए कहकर चिढ़ाते थे, वे अक्षिता को देखकर दांतों तले उंगली दबाने लगे। उंगली दबाना का मतलब होता है हैरान होना। अक्षिता की सफलता अंडरलाइन कीजिए कि आशा मजबूत हो गई, क्योंकि वो जब सफल होने लगी तो उसकी आशाएं मजबूत होने लगी, जिससे गणित के सवालों से वह दूर भागती थी, वह गणित के सवाल अब उसे अच्छे लग रहे थे। वह अपने प्रयासों से बहुत प्रसन्न थी, वह खुश थी, क्योंकि अब उसे अपने मैथ्स के सवाल अच्छे लगने लगे थे और अपने प्रयासों अंडरलाइन कर लीजिए से वह बहुत खुश थी, क्योंकि जब हम कोई मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमें जब उसमें सफलता मिलती है हम खुश होते हैं, तो ऐसे ही वो खुश होने लगी थी, प्रसन्न होने लगी थी। उसने गणित के सवाल का अभ्यास निरंतर लगातार जारी रखा। कुछ दिनों बाद वार्षिक परीक्षाएं आईं। वार्षिक, आपको मैंने बताया था ना कि वर्ष में एक बार होने वाली, जैसे कि आपकी मार्च में होती हैं, जो साल में एक बार होती हैं। सभी बच्चों ने खूब मेहनत की। देखते देखते वार्षिक परीक्षा के परिणाम का दिन आया। जब रिज़ल्ट आता है उसी के लिए यहाँ पे परीक्षा, जब हम रिज़ल्ट लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया, परिणाम क्या आया है, हमारा रिज़ल्ट कैसा आया, वो देखने के लिए जाते हैं, तो वो भी दिन आया। सभी बच्चे अपने परीक्षा परिणाम यानी कि अपने रिज़ल्ट जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। वो चाहते थे कि भाई हमारे नंबर कितने आए हैं, हम कितने आगे रहे और कितने पीछे रहे हैं। ठीक 10 बजे मुख्य अतिथि गेस्ट का आगमन हुआ। आगमन अंडरलाइन कीजिए। बच्चे
उनके सम्मान में खड़े हुए, सभी उनकी रिस्पेक्ट में, उनके आदर में खड़े हुए। प्रधानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम अंडरलाइन कीजिए, भी आयोजित किए गए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। होता है ना कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा, उसकी टेंशन, उसकी प्रतीक्षा, वेट की घड़ी खत्म हुई। प्रधानाचार्य जी ने कुछ देर बाद परीक्षा परिणामों की घोषणा की, रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया। अक्षिता ने पूरे विद्यालय स्कूल, आपको पता ही है, में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सर्वोच्च सबसे ऊपर वाला स्थान, यानी कि जैसे हम फर्स्ट आते हैं ना, जब स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने उसे शील प्रदान करी। आप देख रहे हैं ना, इसके हाथ में एक, देखिए इसके हाथ में एक शील्ड है। जब बच्चे फर्स्ट आते हैं, उनके नंबर अच्छे आते हैं, तो मैम आपको शील्ड देते हैं ना, ऐसे शील्ड मिली है उसको, मेडल भी मिले हैं, शील्ड भी मिले हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, उपलब्धि अंडरलाइन कीजिए, उसके जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे बड़ी सफलता थी। पुरस्कार पाकर अक्षिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि खुशी के आंसू, या तो हम रोते हैं तब हमारे आंखों में आंसू आते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब हमारी आंखों से आंसू आते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमें यकीन ही नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूरे विद्यालय में उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया है। वह बहुत खुश थी। सभी लोग अक्षिता की प्रशंसा करने लगे और विद्यालय के प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब क्या कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, सब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। जब आपको कोई रिजल्ट मिलता है तब सब आपके लिए क्लैपिंग करते हैं ना, उसी तरह से उसको, उसके लिए सबने क्लैपिंग करी। अब बेटा ये तो रहा आज का आपका पाठ, ठीक है। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर के बारे में बात करते हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, लेकिन आप समझ लीजिए इनको कैसे करना है। पार्ट 6, अभ्यास का कमाल, मौखिक प्रश्न उत्तर। अक्षिता कौन से विषय में कमज़ोर थी? अक्षिता मैथ्स में कमज़ोर थी, गणित में कमज़ोर थी। अक्षिता स्कूल से लौटने पर क्यों उदास थी? अक्षिता इसलिए उदास थी क्योंकि गणित में उसके अंक, उसको अंक खराब आए थे, उसको अंक नहीं मिलते थे, इसलिए वो परेशान थी। अक्षिता को कौन सी बात बुरी लगी? उसको कौन सी बात बुरी लगी? उसको बुरी लगी कि कक्षा में सभी बच्चे उसे फिसड्डी कहते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें किसी को भी फिसड्डी नहीं कहना चाहिए। अक्षिता ने क्या निश्चय किया? अक्षिता ने निश्चय किया कि वह प्रतिदिन डेली, रोज 1 घंटा गणित के सवाल हल करेगी। 1 घंटा किस में टाइम लगाएगी? अपने मैथ्स में टाइम लगाएगी, और उसमें 1 घंटा उनके सम्स को हल करेगी। तो बेटा ये आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, और आप इनको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।